लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। गांधीनगर से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गांधीनगर सीट से अमित शाह की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गांधीनगर काफी हॉट सीट मानी जाती है और यहां से अमित शाह चुनावी मैदान में थे और बड़ी जीत अब ये मानी जा रही है। गांधीनगर से जो रुझान आ रहे थे उसमें लगातार अमित शाह आगे चल रहे थे और उसके बाद ये बीजेपी प्रत्याशी की गांधीनगर सीट से बड़ी जीत मानी जा रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। वहीं अगर पुरानी चीजों की बात करें तो 1989 से भाजपा के पास गांधीनगर सीट, वर्ष 1967 में गांधीनगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी और तब से 1984 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही और सिर्फ 1977 में जनता पार्टी के पुरुषोत्तम मावलंकर ने चुनाव जीता था। लेकिन अगर आज के लोकसभा चुनाव की मतगणना की बात करें तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और अमित शाह की ये बड़ी जीत देखने को मिल रही है। 2019 में अमित शाह को यहाँ से 8 लाख से ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आए थे और इस बार की भी स्थिति साफ मानी जा रही थी कि गांधीनगर सीट से अमित शाह चुनावी तार ठोक रहे हैं और उनको ये बड़ी जीत मिलती हुई नजर आएगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का गांधीनगर सीट से आपको बता रहे हैं। अमित शाह की ये बड़ी जीत देखने को मिल रही है। वहीं 2019 के चुनावों की अगर बात कर लें तो अमित शाह को गांधीनगर सीट पर 8.94 लाख वोट मिले थे और आज भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह लगातार चुनाव के प्रचार में जुटे हुए थे और अब गांधीनगर में ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि लगातार जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है उसके बाद गांधीनगर सीट से अमित शाह की बड़ी जीत की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे बीजेपी को बढ़त मिलती हुई भी देखने को मिल रही है। ये बड़ा अपडेट गांधीनगर से आपको बता रहे हैं। अमित शाह की यहाँ से बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है और लगातार बीजेपी सेंध मारने की कोशिश कर रही थी और गांधीनगर से ये बीजेपी प्रत्याशी की जो जीत है ये बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है।